क्या नाम है आपका? मेरा नाम उजैर है। एक्चुअली 2 साल पहले मेरे फादर यहाँ पर एडमिट थे, उनको सिर्फ और सिर्फ बकौल डॉक्टर के, डॉक्टर सामी अगर, आई एम टेकिंग द नेम ऑफ द डॉक्टर सो दैट हर बंदे को पता चल जाए हु वॉज द कल्प्रेट ओवर हियर, ठीक है। मेरे फादर को सिर्फ और सिर्फ उन्हें कहा था कि आंत फटी है, 2 दिन के अंदर एक पंचर वर्ड यूज करते हैं डॉक्टर टर्मिनोलॉजी में कि पंचर लगा है, वो पंचर सही करके इनको 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे, 40,000 रुपीज का खर्चा है। मैंने इनको बोला ठीक है कोई मसला नहीं है, 2 दिन फेयर इनफ। आप यकीन करोगे मेरा दारू से पुराना जो ना बहुत पुराने साथ हादसे हो चुके हैं, मैं उस दिन मीटिंग में था, मैं नहीं अटेंड कर सका, मेरी वालदा लेकर आ गई इधर, बट मुझे पता था कि यहाँ पे चीजें खराब होती हैं। हुआ ये कि डॉक्टर शहजाद, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं रोकूंगा, ये मुझे बताएं कि माशाल्लाह ठीक है इतने साहब ऐसी तो आप हैं कि कहीं और जा सकते हैं, जब आपको पता है कि आपका आपको पता है बट माय मदर डिडंट नो, ठीक है शी वाज द ओनली वन ऑल अलोन एट होम। अब आप बताएं अगर आपके घर में कोई, नहीं पता था उनको, नहीं पता था बता दो, अकेली थी, वो अकेले लेकर आ गई टैक्सी के अंदर लेकर। खैर एनीवेज हुआ ये जब मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कि घर को लेके चलते हैं लियाकत नेशनल, बट उन्होंने क्या किया, पेट काट चुके थे मेरा बाप। मैंने वही हवाला दिया उनको भी कि एग्जैक्ट गब्बर मूवी का सीन हुआ, मेरे बाप को डॉक्टर ने डिक्लेयर डेड कर दिया, और वो आता है बंदा और बोलता है 22,000 रुपए की दवाइयां जमा करा दो। मैंने बोला तुम अपने मरे हुए बाप को 22,000 की दवाइयां देके जिंदा कर दोगे? मैंने वसीम बदामी को कॉन्टेक्ट करिए, मैंने एयरवाइज सरेआम सबको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, बट नोबडी रिस्पॉन्डेड मी वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं चाहता हूँ खुदा की कसम, अगर आप मेरा, मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं 2 साल से ब्लॉग्स लिखे, मैंने ईमेल्स टाइप करी, मैंने कहां अप्रोच नहीं किया, क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरा बाप तो मर गया, मैं तो यतीम हो गया, बट एटलीस्ट दूसरों के बाप तो ना मरे, दूसरों के बच्चे तो यतीम ना हो, उनके जिसके सुहाग तो ना उजड़े, ये सिर्फ पैसे की मशीन है। आप यकीन करोगे खुदा की कसम खा के बोलता हूँ भाई, ये लोग सिर्फ पैसा बनाते हैं। मैंने अपनी आंखों देखा एक बच्ची या बीमार आई, मेरी दोस्त की बेटी, वो लेके गई गूगल सर्च करके, एक डॉक्टर नहीं गूगल सर्च करके यहाँ पे बताती है, डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर सामिया गनी, डॉक्टर शहजाद एंड डॉक्टर आसिफ कुरैशी, दे वर द कल्प्रिट्स हू किल्ड माय फादर। मेरे बाप बिल्कुल सही आया था, बिल्कुल सही, और 4 कंधों पे गया, और मुझे डेथ सर्टिफिकेट नहीं देते, कहते हैं कि आप पहले पैसे क्लियर करें फिर डेथ सर्टिफिकेट दूंगा। इतने बगैर थे कि मैं जब यहाँ आता हूँ, आप मुझे बताएं कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग चार्ज होती है? ये इतने बगैर थे पार्किंग चार्ज करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि कोई शख्स किसी मजबूरी में हो, क्या प्रॉब्लम हो, अपने घर के लिए खाना लेके जा रहा हो, ये भी हर बात 20 रुपए दो, 30 रुपए दो, 20 रुपए, ये दे आर माफिया, लिटरली दे आर माफिया, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर किलर्स इन द नेम ऑफ डॉक्टर्स, काले सफेद कोट वाले किलर्स है भाई, है खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, ये माफिया है लिटरली, और इस माफिया को कौन कवर करती है? हमारी पुलिस, चौकी बनाई हुई है, ये चौकी क्यों बनाई हुई है? इनको कवर करने के लिए। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप लोग सब लोग आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपील करता हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस होल कम्युनिटी, प्लीज सील दिस दारोज मौत, या जिंदा बंदा आता है मर जाता है, जिंदा बंदा मर जाता है। मेरा बाप आईसीयू में, तब आरएमओ क्या करते हैं, तकिया नहीं तो मेरे बाप के सर के पैंपर रख देता है, मुझे बोलते हैं नहीं सही है सही है सही है, थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने यार मुझे बता दे मर गया है तो बता दे, जिंदा तो भी बता दे, तुझे 10 लाख चाहिए मैं तुझे 10 लाख दूंगा, बस तू ये गारंटी दे मेरा बाप जिंदा हो जाएगा। खुदा की कसम उसकी आंख में आंसू है। एक अच्छा डॉक्टर था, डॉक्टर उसने मुझे बोला आप खामोशी से ले जाए, मेरा नाम मत लीजिएगा, आपके वाले साहब मर चुके हैं, ये सिर्फ वेंटिलेटर पे पैसा बना रहे हैं, 11,000 रुपए पर डे वेंटिलेटर का चार्ज कर रहे थे। मैं आप लोग से इल्तिजा करता हूँ भाई, मैंने अपनी वाइफ को, अपनी माँ को एक बात बोली, फिरौन का वक्त आया, यजीद का वक्त आया, इनका भी वक्त आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, आएगा जरूर। मैंने डॉक्टर सामिया गनी को हाथ उठा के बद्दुआ दी, अल्लाह करे तुम्हारे घर से मैयत उठे, आसिफ कुरैशी को बोला तुम्हारे घर से मैयत उठे, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि किसी के जाने का दर्द क्या होता है? पैसा हर चीज नहीं होती भाई, मेरे घर आज तक मेरी फैमिली सफर कर रही है, आज तक मेरे बाप का शोशा कोई नहीं फील कर सका, इनको सिर्फ इनका ईमान किबला काबा सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा, मगर ना कब्र में अलमारी है ना कफन में जेब होती है, इनको ये नहीं पता। क्या नाम है?